Hello everyone, welcome to the channel Chemical Engineer. I am Sahil Yadav and in this video we will be discussing about top 10 colleges in Gujarat for chemical engineers. So इस वीडियो में आप अंत तक देखना, आपको 10 कॉलेज के बारे में मैं बताऊंगा अगर आप 12th के बाद केमिकल इंजीनियरिंग को ऑप्ट आउट कर रहे हैं. सो शुरू करते हैं वीडियो. तो जो फर्स्ट कॉलेज आता है उसमें सबसे ऊपर आता है केमिकल इंजीनियरिंग में गुजरात में LD. तो LD कॉलेज जो है वो अहमदाबाद में है. इसका जो प्लेसमेंट डेटा है वो बहुत ही अच्छा है. 2016 से 2019 में 147 लोगों को प्लेस कर चुका है. कंपनीज जो यहाँ पे विजिट करती है वो है GNFC, GSFC, महिंद्रा और बहुत सारी. यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज है वो 2019 में 10 लाख पर एनम का पैकेज केमिकल इंजीनियर को मिल चुका है. फीस जो है LD की वो है 1500 रुपीज़. सेकेंड जो यूनिवर्सिटी है वो है निर्मल यूनिवर्सिटी. सो फॉर केमिकल इंजीनियर्स निर्मल यूनिवर्सिटी का बहुत ही नाम है. वो आती है 3rd नंबर पे. पर पढ़ाई, रिसर्च, कल्चर, कैंपस ये सबको अगर कंसिडर करें तो ये आएगी हमारे हिसाब से नंबर 2nd पे. सो निर्मल यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो पर ईयर की है 2.5 से लेके 2.8 लाख की. ठीक है, तो फीस इतनी है. निर्मा की प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है. 3 to 7 लाख एवरेज पैकेज है. हाईएस्ट पैकेज अराउंड 10 लाख है. और निर्मा में जो है कैंपस देखा जाए तो कैंपस नंबर 1 क्वालिटी का है. आपको वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी भी मिलेगी देखने को. बहुत सारे गार्डन्स हैं, बहुत सारी कल्चर्स अलग अलग उनके वहाँ क्लब्स चलते हैं. सो 2nd नंबर पे मेरे हिसाब से केमिकल के लिए निर्मल यूनिवर्सिटी. 3rd नंबर पे जो कॉलेज आना चाहिए वो है GEC यानी कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भरूच. सो ये कॉलेज नंबर 3 पे क्यों है? क्योंकि इसकी जो फैकल्टीज़ है वो वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज़ है. जो भी है वो एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स है. कैंपस इतना ख़ास नहीं है. प्लेसमेंट में भी कोई ख़ास नहीं है. हाईएस्ट प्लेसमेंट जो होता है उनका वो एवरेज जो होता है वो 2.5 से लेके 4 लाख पर एनम का होता है. फीस जो है इसकी वो है 1500 रुपीज़. सो बट फॉर केमिकल इंजीनियर्स पढ़ाई के लिए और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के लिए GEC भरूच नंबर 3 पे है हमारे हिसाब से. सो 4th नंबर पे जो कॉलेज है वो मेरे हिसाब से है DDIT या फिर DDU. सो DDU जो कॉलेज है वो नड़ियाद में है. इसमें 2 ब्रांचेस है, एक गवर्नमेंट है और एक सेल्फ फाइनेंस है. सो गवर्नमेंट की फ़ीस जो है वो है 1500 रुपीज़ पर ईयर और सेल्फ फाइनेंस की जो फ़ीस है वो है 50,000 to 70,000 पर सेमिस्टर. सो इसमें दोनों वेरिएंट मिल जाएंगे. फिर इसका जो पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई में भी नंबर वन तो नहीं कहेंगे लेकिन अच्छा खासा है इसमें. बाकी कैंपस भी बहुत ही बढ़िया है. फिर फैकल्टीज़ भी यहाँ पे प्रोफेशनल्स है. और ये जो कॉलेज है सबसे ज़्यादा फेमस है डिप्लोमा के लिए. सो आफ्टर 10th जो केमिकल इंजीनियर्स डिप्लोमा करते हैं गुजरात में से 70% जो केमिकल इंजीनियर निकलते हैं वो DDIT में ही डिप्लोमा किया होता है. सो दिस इज़ अ बेस्ट कॉलेज फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स इन केमिकल इंजीनियरिंग. सो 5th नंबर पे जो कॉलेज है वो है MSU यानी कि महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी. ये कॉलेज जो है वो बड़ोड़ा में है, वडोदरा भी कहते हैं जिसको. ये कॉलेज जो है वो बहुत ही पुराना है और केमिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही अच्छा है. यहाँ का जो कैंपस है वो बहुत ही अच्छा है. फीस जो है इसकी वो खाली 1500 रुपीज़ पर ईयर है. और साथ में जो पैकेज जो यहाँ का एवरेज पैकेज है वो 5 to 6 लाख पर एनम है. और साथ ही साथ यहाँ का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो अराउंड 10 लाख का है. और इसका जो अगर कट ऑफ देखे तो इसका कट ऑफ भी हायर, मतलब कट ऑफ रहता है इसका केमिकल इंजीनियरिंग के लिए. सो दिस इज़ अ बेस्ट यूनिवर्सिटी. और साथ ही साथ यहाँ पे फ्री वाईफाई भी है इनके कैंपस, पूरे कैंपस में. सो दिस इज़ ऑफ कोर्स अ बेस्ट यूनिवर्सिटी. साथ ही साथ यहाँ पे जो इन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप किए हुए हैं जो विजिटिंग फैकल्टीज़ जो है केमिकल की वो इनको आके पढ़ा सकती है बाहर की यूनिवर्सिटीज़ की, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की. सो दिस इज़ अ बेस्ट यूनिवर्सिटी एंड इन आवर केस इट इज़ एट नंबर 5. 6th जो यूनिवर्सिटी है 6th नंबर पे वो है पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी गांधीनगर.
ये वर्ल्ड क्लास कैंपस वाली यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको फुल रॉयल्टी मिलेगी, क्लब्स भी बहुत सारे हैं यूनिवर्सिटी में, साथ ही साथ कैंपस बहुत बड़ा है, कैफेटेरिया बहुत बड़ा है, साथ ही साथ प्लेसमेंट केमिकल का बहुत अच्छा है इस यूनिवर्सिटी में कंपेरेबल। सो यहाँ पे जो फीस है उसको मैं बता दूँ, वो है अभी 2.5 लाख से 2.8 लाख पर ईयर, यानी कि एक सेमेस्टर के आपको 1,20,000 जैसे कुछ पड़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक्सपोजर अगर देखा जाए पढ़ाई में तो फैकल्टीज़ बहुत ही अच्छी है, और अभी तो मतलब न्यू फैकल्टीज़ भी ऐड हो रही है, तो बहुत अच्छा इनका स्ट्रेंथ बढ़ रही है केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की। लैब्स में बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट्स, हाई क्लास लैब है, साथ ही साथ यहाँ पे एक ORSP करके प्रोजेक्ट चलता है, रिसर्च स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्राम। सो ये प्रोग्राम में आपको अगर रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपको 1.5 से लेकर 2.5 लाख यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी केमिकल्स प्रोक्योरमेंट और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। सो बेस्ट यूनिवर्सिटी जो देखने जाए तो PDU है, बट खाली एक प्रॉब्लम PDU की है कि उसकी फीस बहुत ज़्यादा है। ओके सो इसीलिए ये नंबर 6 पे हमारे। 7th नंबर में गुजरात के यूनिवर्सिटी में VGEC यानी कि विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम केमिकल में आएगा, क्योंकि VGEC आज लास्ट 2 ईयर से बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स कर रही है, बहुत ही केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स रख रही है, साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस भी हो रही है वहाँ पे, और पढ़ाई के लिए देखने जाए तो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। फीस जो है उसकी 1500 रुपीज़ पर ईयर है, गवर्नमेंट कॉलेज है, फैकल्टीज़ भी अच्छी है, लैब्स भी वेल इक्विप्ड लैब्स हैं उनकी, एंड बाकी प्लेसमेंट का देखा जाए तो प्लेसमेंट थोड़ा कम है, 3 से 4 लाख पर एनम आपको एवरेज सैलरी मिलेगी, हाईएस्ट पैकेज जो है वो नेट पे 7 लाख का दिख रहा है। सो VGEC का भी अच्छा है केमिकल में नाम। 8th नंबर पे जो आएगी वो है IIT गांधीनगर। IIT गांधीनगर इतना नीचे क्यों है? क्योंकि उसने अभी तक कोई केमिकल की एक्टिविटीज़ चालू नहीं करी है, साथ ही साथ उनका प्लेसमेंट भी अभी इतना कुछ खास नहीं है, उसका डेटा कहीं अवेलेबल नहीं है, बट मैंने सुना है कि पढ़ाई के लिए IIT गांधीनगर अच्छा है। सो 8th नंबर पे मैं IIT गांधीनगर को रखना चाहूँगा। 9th नंबर पे जो आएगी वो है SVNIT सूरत। SVNIT सूरत का अच्छा ही नाम है, पैकेज जो है वो उनका एवरेज रहता है 2.5 से 4 लाख पर एनम का, हाईएस्ट पैकेज जो है वो 10 लाख पर एनम का मिल चुका है केमिकल इंजीनियर को, और इनका जो रेशियो रहता है प्लेसमेंट का वो 90% रहता है केमिकल इंजीनियर का, ऐसा डेटा वो लोग ऑनलाइन रखते हैं। सो वाई मैंने इसको इतना नीचे रखा आप लोग पूछ रहे सोच रहे होंगे। सो एक ही रीज़न है, बहुत सारी कंप्लेंट्स मिली है मेरे को कि फैकल्टीज़ जो है वो उनकी परमानेंट नहीं है। सो सीधी बात है कि 4 साल एक बच्चा अगर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो उसको कोई फैकल्टी चाहिए जो परमानेंट रहे, उसको जानती हो। सो खाली फैकल्टीज परमानेंट नहीं है, इसकी वजह से इसको 9th पे रखा है। बाकी कॉलेज का कैंपस बहुत ही बढ़िया है, लैब्स बहुत अच्छी है, रिसर्च में इतना नाम नहीं है पर प्लेसमेंट अच्छा है उनका। सो 9th नंबर पे SVNIT। अब बचता है 10th नंबर। सो 10th नंबर पे यूनिवर्सिटी, बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो सबको 10th नंबर पे रखा जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो, नंबर 1 से लेके 9th में कोई भी, अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो आप 9th वाली यूनिवर्सिटी में भी अच्छे से पढ़ सकोगे, फर्स्ट यूनिवर्सिटी में भी अच्छे से पढ़ सकोगे। फैकल्टीज़ जो है वो खाली आपको गाइड करने हैं कॉलेज में, तो फैकल्टीज़ खाली आपको गाइड करेगी और थोड़ा बहुत उनके पास से नॉलेज गेन करना है हमको, बाकी फैकल्टीज़ जो है वो PhD होते हैं तो उनके पास तो बहुत ही नॉलेज है, वो आपको खाली गाइड करने के लिए है कॉलेज में। तो 10th नंबर पे मैं अगर रिकमेंड करूँ तो बाकी सब कॉलेज जैसे कि GSFC यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी,
और बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी आती हो, गणपत यूनिवर्सिटी, ये सब आपको नंबर 10th पे रखनी है। लेकिन सुनो, अगर आपको टॉप 10 में नहीं मिलता है, अगर एडमिशन ACPC के द्वारा या फिर CBSE वाले हो तो उनके द्वारा, तो निराश नहीं होना है। सब यूनिवर्सिटी में फैकल्टीज खाली गाइड करने के लिए है, बाकी काम आपको खुद ही करना है, पढ़ाई खुद ही करनी है। सो वो सोच के पढ़ाई करना, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, किसी में भी ले लो। केमिकल इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट बाद में BTech के बाद एवरेज पैकेज जो है वो 3 से लेके 6 लाख के बीच में रहता है शुरुआत का, फ्रेशर्स का। सो कोई भी यूनिवर्सिटी में इतना पैकेज आपको मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।